ये वो रिकॉर्ड है, सुबह का टाइम है, दरिया का किनारा है, ये खेत है, ये पहाड़ है, ये रोड है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कुमरा टूर के सिलसिले में दूसरी वीडियो है। बरीकोट का इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत ग्रीनरी है यहाँ पे, पानी भी बहुत खूबसूरत है, लोग भी बहुत खूबसूरत हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। बहुत ज़बरदस्त पानी है, सुबह का टाइम था, बहुत खूबसूरत फ्रेश हवा थी। ये दरिया का किनारा आप देख, पानी बहुत खूबसूरत है, ठंडा पानी है बिल्कुल, एक दफा आप पी लें तो आपको मजा आ जाएगा। अल्लाह की नेमतों का, कुदरतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इन पहाड़ी इलाकाजात में पहुँच कर आप अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने कितने खूबसूरत पहाड़, दरिया, खेत बनाए हैं। और गर्म इलाकों से जब आप इन सर्द इलाकों की तरफ जाते हैं तो आपका दिल खुश हो जाता है। ये इस वक्त हम जहाज़ बांडा की तरफ जा रहे हैं, और जहाज़ बांडा इसको इसलिए कहते हैं कि ये बहुत ऊपर है, मतलब पहाड़ की चोटी पे है, इस वजह से मकामी लोगों ने इसका नाम जहाज़ बांडा रखा हुआ है। जहाज़ बांडा जाते हुए आपको गाड़ी में 3 घंटे सफ़र करना पड़ेगा, तकरीबन 7 से 8 हज़ार रुपया एक 4x4 गाड़ी लेती है। ये तल बाजार है, तल ये तल बाजार है, इतना डेवलप नहीं हुआ अभी। ये इमरान खान जब से कुमराड गया था ना, तो तब से लोगों ने इस इलाके का रुख किया है, और अभी तल का बाज़ार नारायण कागान की तरह डेवलप नहीं है।
लोग भी इतना नहीं समझते कि डीलिंग किस तरह करनी है और खाने पीने का भी आप खुद इंतज़ाम करें। जहाज बांडा की तरफ जाते हुए ये रास्ता बहुत ख़राब रास्ता है और 4x4 जीप के अलावा ये आम गाड़ियों में इसका सफ़र बहुत मुश्किल है। चारों तरफ पहाड़ है और पतला सा रोड है, इस पे आपने ट्रैवलिंग करनी है। बहुत ख़तरनाक मोड़ आते हैं रास्ते में। पहली दफ़ा जहाज़ बांडा की तरफ जाते हुए ये पहाड़ बहुत ख़ूबसूरत लगते हैं, रास्ते भी बहुत ख़ूबसूरत लगते हैं और आप बोर नहीं होते। दोस्तों का होना साथ में लाजमी है क्योंकि उनके साथ गपशप होती है और आप बोर नहीं होते। फीमेल के लिए ये रास्ता नहीं है जहाज़ बांडे वाला, क्योंकि बहुत टफ रास्ता है, तो फीमेल को अगर आप इधर ना ही लेकर जाएं तो अच्छी बात है। ये ट्रैक, ये जहाज़ बांडे की तरफ जाने वाला ट्रैक, इसमें बच्चे भी साथ ना लेकर जाएं क्योंकि बहुत सख्त रास्ता है। ये सिर्फ लड़कों के लिए है, बूढ़े हजरात के लिए भी ये रास्ता नहीं है कि बूढ़े हजरात भी इस रास्ते से जहाज़ बांडे की तरफ जाएं। पहाड़ों में इन लोगों ने घर भी बनाए हुए हैं और ये रास्ते में एक छोटी सी जगह आ गई थी जहाँ पे हमारी गाड़ी गर्म हो गई थी, तो ड्राइवर ने गाड़ी के इंजन पे पानी वगैरह डाला है, हमने भी पानी पिया है और फिर आगे चल दिए। ये जीप में 3 घंटे का रास्ता है तकी बांडा तक। तकी बांडा एक जगह अभी आगे आगे आएगी और उससे फिर आगे 3 घंटे का रास्ता है जो कि तकरीबन 6 किलोमीटर बनता है, वो फिर जहाज़ बांडा की तरफ है। जहाज़ बांडा असल में एक पहाड़ है और उस पर आपने हाइकिंग करनी है, तो 6 किलोमीटर का रास्ता है और आपने 3 घंटे उस पर हाइकिंग करनी है। तो आप देख लें, अगर आपके पाँव में जान है तो बस आप वो पहाड़ पे हाइकिंग कर लें, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल रास्ता है। रास्ते में बहुत ख़तरनाक मोड़ आते हैं, ये देखें ये भी एक बहुत ख़तरनाक मोड़ है, और लेकिन वहाँ के जो ड्राइवर हैं वो बहुत ज़बरदस्त ड्राइविंग करते हैं और कोई मुश्किल नहीं होती उनके लिए। ड्राइविंग ऐसी है जैसे हमारे लिए सिटी में ड्राइव करना होता है, उनके लिए बस ये सिटी है। बहुत तंग रास्ते हैं और बहुत ख़ूबसूरत रास्ते हैं। अगर आप जवान हैं तो आप इस इलाके को ज़रूर विज़िट करें। ये आगे जो मोड़ आ रहा है यहाँ पे, मतलब आपकी एक दफ़ा सांस रुकी है क्योंकि बहुत सख्त चढ़ाई है और फिर एकदम मोड़ है, तो गाड़ी उस मोड़ में ब्रेक लगाएगी, थोड़ा पीछे गाड़ी आएगी और फिर आगे जाएगी। तो बस देखने का और सुनने का थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन अगर आपने एडवेंचर करना है तो आप ज़रूर इस तरफ आइए। ये हमारी गाड़ी अभी रुकी है, वो दूसरी गाड़ी चली जाए तो फिर हम जाएंगे। ये देखें वो गाड़ी पीछे आ गई है, खुदा नख्वास्ता
ख़तरनाक भी हो सकता है कुछ। ये अब हम ऊपर जा रहे हैं फुल टॉप पे। ये गाड़ी मुड़ी है और अब पीछे आएगी, तो बंदे की तो यहाँ पे ज़रा दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, लेकिन इन लोगों को बहुत महारत है ड्राइविंग में। ये देखिए कितनी नीचे, मतलब यहाँ पे हम ऊंचाई पे हैं और बहुत नीचे जगह है, तो अगर जिसको ड्राइविंग ना आती हो तो उसके लिए बहुत मुश्किल है यहाँ पे ड्राइव करना। बस यही इस ट्रैक का मज़ा है कि कभी आपकी दिल की धड़कन तेज़ होगी और कभी आहिस्ता होगी। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। ये रास्ते में एक आबशार आती है छोटी सी, यहाँ पे हमने वो पानी वगैरह पिया और अपने साथ कूलर में भी भरा। ये फिर हम अपनी मंजिल की तरफ शुरू हो गए। ये तकी बांडा है, यहाँ तक आप गाड़ी में आएंगे और यहाँ पे आप गाड़ी खड़ी करके फिर आपने या तो पैदल सफ़र करना है या इन घोड़ों पे जाना है। घोड़ा 1000 रुपया लेता है अगर आपने घोड़े के ज़रिए ऊपर जाना है तो 1000 रुपया ये लोग लेंगे और वापसी का भी 1000 रुपया लेते हैं। ये तकी बांडा है, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, चाय पी और फिर हम आगे चलना शुरू हो गए। ये अब जहाज़ बांडे की तरफ हम पैदल जा रहे हैं और ये 6 किलोमीटर का रास्ता है पूरा। 3 घंटे में मतलब ये तय होता है, 3 घंटे का सफ़र है, लेकिन बहुत टफ है, आपकी दिलकन की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है। हम भी एक दफ़ा चढ़ना शुरू हो गए थे लेकिन फिर हमने कहा कि हम वापस जाते नहीं कर सकते, लेकिन फिर दोस्तों ने हिम्मत बंधाई और बस अल्लाह का नाम लेकर पहाड़ पे चढ़ना शुरू हो गया। अच्छा, माशाल्लाह। आपको ज़रूर जहाज बांडा पर आना चाहिए, लेकिन पहले अपनी फिटनेस की बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब हम वापस आए तो फिर हम बहुत थके हुए थे और मतलब फिर बाकी टूर बंदा नहीं कर सकता, मतलब मज़ा नहीं आता, क्योंकि आपकी तबीयत खुदा ना खास्ता ख़राब भी हो सकती है। جاز بانڈی تو خیجو اور ہمت ہم کڑے دے بس انشاءاللہ خا आगे चल के हमारे साथ मुल्तान के कुछ दोस्त भी मिल गए थे, जिनकी वजह से गपशप में हमने ये जहाज़ बांडा की तरफ गए हैं और बहुत मज़ा आया।
रास्ते में अगर आपके साथ ग्रुप अच्छा हो तो आपका टूर बहुत मज़े का गुजरेगा। कोशिश करें कि अपने साथ ग्रुप के दोस्त ले जाएं जिनके साथ आपकी मेंटल अंडरस्टैंडिंग सही हो, तो फिर बहुत मज़ा आता है गपशप का और ये कुदरती हुसन देखने का, और बंदा बहुत अपने टाइम को एंजॉय करता है, बहुत क्वालिटी टाइम बंदा गुजारता है दोस्तों के साथ। यार इधर लेकर आ जाएगी, वो भी आपकी गले पड़ेगी। रुक जाओ यार, ध्यान से अपने वो तासुरात रिकॉर्ड करो। पहले तो अल्लाह की शान देखो, अभी घोड़ा जो आपके आगे कुदरा स्पेशल है, उसने पीला बैग रखा हुआ, हमारा सामान था सारा, अल्लाह की रहमत से सामान हम साथ उठा, सामान साथ ले, हमने सोचा था यार सामान साथ लेके चलेंगे। नहीं, हमारे दोस्त जो थे ना एग्री नहीं हो रहे थे, बड़े मुश्किल से एग्री किए ना, जैसे ही बस एक 5-6 मिनट चढ़ाई किए ना तो फिर हंगामी चीज की मीटिंग बुला ली वापसी के लिए, वोटिंग हो गई है। फिर मैंने कहा मैडम चलो तो कल करते हैं। वहाँ पे गुमराह से 3 घंटे के बाद हमारी एक बंदा गया था, पता नहीं चिकम गेर के रहा।
एक दूसरे के करते हुए ये देखो यार ये मैंने कह दिया वो पता क्या कह रहे हैं हमें छोड़ के पता नहीं कहाँ आगे निकल गए हमें नजर ही नहीं आ रहा नहीं ये ये जवान इस वक्त एक घंटा सफर करके आ रहे हैं अभी दो घंटे और भी बाकी हैं घबराना नहीं है अच्छा मैं क्यों आया कुछ देर लग मत जाना थोड़ा सफर है ये सब भाई दो घंटे का पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद इस वक्त इंशाल्लाह नौजवान है ये भी नौजवान ही आप समझ लें इनको वीडियो शुरू होता है मंजिल सामने है छह किलोमीटर पहाड़ी रास्ता तय करने के बाद हम मंजिल के करीब पहुंच गए हैं नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया
यहाँ चलते हो कि सीधा चलते हो भैया? पहुंच गए हैं और ये रहा हमारा टारगेट। जहाज बांडा है आप देख लें, होटल वगैरह भी यहाँ पे बन गए हैं। 1000 रुपया तकरीबन एक कमरे का है और हमारे एक यहाँ पे लोकल बंदा था, उसने हमें गाइड दिया है कि आप यहाँ पे दिन ज़ाया मत करें, मतलब यहाँ जहाज बांडा आ जाए और वापस कुमराट की तरफ चले जाएं, वापस यहाँ पे टाइम ज़ाया मत करें, बस यहाँ पे और कुछ नहीं है, बस आप देख लें, बस यही है बस। जहाज मंडा की चेताइयों कब से मिला शिकाना बताओ शुक्र हुआ से एक्सरसाइज खुद का खुश करें यार।